हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको वन ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनाना सिखा रहे हैं, जिसमें हमने बीच में डोरी डाल दी है और नीचे की साइड हमने इसमें फ्रिल लगा दिया है। और ऐसे करते हुए हम इसको पहनाकर बेबी को डोरी के हिसाब से बांध देते हैं। समर के मौसम में बहुत प्यारी सी ये फ्रॉक बेबी को पहना कर लगती है। इस साइड की भी हम डोरी ऐसे ही बेबी को पहना कर बांध देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमने दो पीस ले लिए हैं, जिसकी चौड़ाई 14 इंच है और लंबाई भी इसकी 14 इंच है। बिल्कुल चकोर ये हमने दो पीस ले लिए हैं। अब इसकी हम फोल्ड कर लेते हैं। 4 पीस इसके यहाँ पर हो गए हैं। शोल्डर हमें इसका 4 इंच रखना है और आर्म होल भी इसका 4 इंच रखना है। इस तरीके से करते हुए सीधा निशान हम इसमें लगा लेते हैं। चेस्ट हमें यहाँ पर इसकी 6 इंच रखनी है। ऐसे करते हुए हमें इसमें निशान लगा लेना है। अब इसको गोलाई कर लेते हैं आर्म होल में। अब यहाँ से हम इस पर निशान लगाते हैं, नीचे की साइड तक इसको ऐसे ही सीधा निशान लगा लेते हैं। नीचे से हमें इसमें 1 इंच ऐसे करते हुए गोलाई का निशान लगा लेना है और इसको कट कर देना है। साइड में से भी हम इसकी कटिंग कर देते हैं, जहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ है। ये हमारे दोनों पीस कटकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसको खोल लेते हैं और इसको ऊपर की साइड से नेफा मोड़ने के लिए, ये नेक है, इसमें हम डोरी डालेंगे तो 1 इंच का इस पर निशान लगा लेते हैं, ताकि हमारा नेफा बिल्कुल बराबर मुड़ सके, कहीं से भी ये कम या ज़्यादा ना हो। दूसरी साइड पर से भी हमें इसमें ऐसे ही निशान लगा लेना है, ताकि हमें पता चल जाए कि कितना हमें नेफा मोड़ना है। अब ऐसे करते हुए इसमें सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये 2 पीस हमने फ्रिल के लिए ले लिए हैं, जिसकी लेंथ 5 इंच है और चौड़ाई इसकी इस तरीके से 32 इंच है। हमें इसको फ्रिल को ऐसे करते हुए डबल कर लेना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इसमें हमें चुन्नटें डाल लेनी है। ऐसे करते हुए हम इसमें चुन्नटें डालकर तैयार करेंगे। ये हमने आर्म होल लिया है। आर्म होल को हमें अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। बारीक सा आर्म होल हम इसमें फोल्ड करते हैं। हमें इसको खींचना नहीं है, ढीले ढीले हाथ से इसको फोल्ड अंदर की साइड को करना है। दूसरा आर्म होल भी हमें ऐसे ही करते हुए इसको फोल्ड कर लेना है। ये आर्म होल भी हमें खींचना नहीं है, क्योंकि हमारी गोलाई है, अगर हम खींचेंगे तो हमारा आर्म होल ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें धीरे धीरे से इसको फोल्ड करना है। दूसरा पीस भी हमें सेम ऐसे ही आर्म होल का फोल्ड कर लेना है। अब हमने जहाँ पर निशान लगाया हुआ है उसको अंदर की साइड को मोड़ लेते हैं और एक बार और अंदर की साइड को थोड़ा सा कपड़ा मोड़ते हुए उसके ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं। यहाँ से हम इसको पक्का करते हुए निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमें अपना ये दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। अब हमने ये डोरी ली है नेक में पिरोने के लिए। इसकी लंबाई 1 इंच है और चौड़ाई 32 इंच है। आप इससे थोड़ी सी कम भी डोरी डाल सकती हैं। अब हमें इसको दोनों साइड से ऐसे फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर एक सिलाई किनारे पर लगा लेनी है। दोनों डोरी हमने, ये 2 डोरी ली हैं, दोनों डोरी सेम हमें अपनी इसी तरीके से तैयार कर लेनी है नेक में पिरोने के लिए। ऐसे ही हमें बारीक सी डोरी बनाकर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हमने बीच में इसकी डोरी पिरो ली है। अब दूसरे पीस में भी हम ऐसे ही करते हुए इस डोरी को पिरो लेते हैं। ये देखिए डोरी हमने यहाँ पर पिरो ली है। अब आप इस डोरी को चुन्नटे डालकर इस तरीके से भी छोड़ सकती हैं, लेकिन हम आपको इसमें
डोरी को बिल्कुल बराबर मिला लेते हैं और इसमें चुन्नटे डालने के बाद सिलाई लगा देते हैं, जिससे ये डोरी में हमेशा ऐसे ही चुन्नटे रहेंगी और आपको इसको बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से हम दोनों डोरी में सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से हमारी डोरी कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगी। अब ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेट हो गई है बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे ही हमें दूसरा पीस भी अपना सिलाई लगा कर तैयार कर लेना है। ये हमारा फ्रिल है, फ्रिल को हम ऐसे डबल करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि चुन्नटे डालने में इसमें परेशानी ना हो। अब हम इसमें ऐसे बारीक बारीक करते हुए चुन्नटे डालकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये फ्रॉक बनकर बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है और एक बार आप भी अपनी बेबी के लिए इसको ट्राई करें और बहुत आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं। बहुत छोटे से फैब्रिक में हमने ये फ्रॉक बनाई है। ये देखिए, हमने यहाँ पर फ्रिल को तैयार कर लिया है। अब हम इस फ्रिल को नीचे से ऐसे माप लेते हैं। अगर इसकी चुन्नटें ज़्यादा हों तो आप फ्रिल का एक्स्ट्रा फैब्रिक काट भी सकती हैं या इसकी चुन्नटें कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब हमें यहाँ पर फ्रिल को ऐसे रख लेना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, हमने अपनी फ्रिल सेट करते हुए इस पर सिलाई लगा दी है। ऐसे ये फ्रिल लगकर तैयार हो गई है। अब हमने जो फ्रिल की नीचे की सिलाई है फ्रॉक के ऊपर की साइड को कर देनी है। इसके ऊपर एक किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं, जिससे ये अच्छी तरीके से सेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग इसमें आ जाती है। ये हमारा पीस बनकर तैयार हो गया है। दूसरा पीस भी सेम हमने इसी तरीके से अपना तैयार कर लिया है। अब हम दोनों पीस को ऐसे एक साथ रख लेते हैं और इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं। यहाँ से पहले हमें इसको पक्का कर लेना है, उसके बाद हमें इसमें नीचे तक सिलाई लगा देनी है। नीचे की साइड से भी हम इसको पक्का करते हुए निकालते हैं। अब दूसरी साइड में भी हमें फिटिंग की सेम ऐसे ही सिलाई लगाते हुए इसको तैयार कर लेना है। ये देखिए, हम इसको सेट करते हुए अच्छी तरीके से नीचे तक फ्रिल पर अपनी सिलाई लगा देते हैं। ऐसे करते हुए हमने दोनों तरफ इसकी सिलाई लगा दी है। अब हमने ये लुपिया ली हैं, जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई भी इसकी 2.5 इंच है। 4 लुपिया हमने ये ले लिए डोरी में लगाने के लिए। अब हम अपनी डोरी लेते हैं। फ्रेंड्स, हम इस डोरी को कम या कर देते हैं, एक डोरी को हम 2 इंच के करीब काट देते हैं, जिससे ये डोरी ऊंची नीची हो जाएगी, कम और ज़्यादा हो जाएंगी, जिससे ये लटकते हुए बेबी के बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। एक छोटी एक बड़ी हो जाती है तो इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब हम लुप्पी को डबल करते हैं और डोरी को इसमें बीच में रखकर एक सिलाई लगा देते हैं। इसी तरीके से हमें चारों लुप्पी एक साथ लगाकर इसको तैयार कर लेना है। अब हम इसको सीधी कर लेते हैं। सभी लुपियों को हमें ऐसे करते हुए सीधी कर लेना है। और इसको ऐसे डबल कर लेना है और इसको गोलाई करते हुए कटिंग कर देना है बिल्कुल बराबर। आप इस तरीके से भी इसको काट सकती हैं बिना डबल किए हुए। ये हमारी सभी लुपियाँ लगकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी सी हमारी ये फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है और इसकी चुन्नटे भी हमें कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। चुन्नटे सिलाई लगाकर हमने सेट कर दी है और नीचे की तरफ फ्रिल भी इसका कितना प्यारा सा लग गया है। हम बेबी को पहनाकर इसको उसके हिसाब से बांध सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये झबला फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। इस साइड से भी हम इसको ऐसे ही बांध देते हैं और बहुत आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।